दिव्य चैनल के सभी साधकों को जय माता दी। आज द्वितीय नवरात्रि ब्रह्मचारिणी दुर्गा यानी माँ का वह स्वरूप, माँ का वह रूप जिसमें माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में हम सबके सामने सुशोभित हैं। माँ का यह स्वरूप अत्यंत सरल है। इस स्वरूप में माँ ने ब्रह्मचारिणियों जैसा वेश यानी श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। माँ के दाएं हाथ में जपमाला है और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। अत्यंत सरल, अत्यंत सौम्य स्वरूप है माँ का। माँ ब्रह्मचारिणी कैसे हो गई? माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हमसे क्या कहता है? हिमालय और मैना के घर में जब माँ का प्राकट्य हुआ, माँ के भीतर भगवान शिव को पति के रूप में पाने की सहज इच्छा उठी। नारद जी माँ के समक्ष आए और नारद जी ने माँ को तप का मार्ग बताया। माँ ने घोर तप किया अनंत वर्षों के लिए। तप इतना गंभीर और इतना गहरा हो गया कि तप में लीन हुई माँ ने पत्तों तक का भोग नहीं पाया और माँ अपर्णा कहलाई। देवी और देवता सभी माँ के इस तप को देखकर हैरान रह गए और सबको स्पष्ट हो गया कि माँ का ये घोर तप देखकर भगवान शिव का हृदय जो है वह रीझ जाएगा, पसीज जाएगा और निश्चित ही भगवान शंकर देवी माँ को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ही लेंगे। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ ने जो रूप धारण किया, माँ ने जो स्वरूप धारण किया, वही रूप और स्वरूप ब्रह्मचारिणी दुर्गा का हम सब बच्चों, हम सब भक्तों के समक्ष हैं। अब बात स्पष्ट है कि ब्रह्मचारिणी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जीवन में ब्रह्मचार्य तो होना ही चाहिए और जिस जीव के जीवन में ब्रह्मचर्य है वह जीव सहज ही भगवान शिव तक पहुंच जाएगा। उसकी चेतना भगवान शिव में लिपट ही जाएगी। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में हम सब जीवों को ब्रह्मचर्य सिखाना चाहती हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए आज की पूजा में श्वेत पुष्प सुशोभित होंगे। बाकी सामग्री तो वैसी ही रहेगी, धूप, दीप, नैवेद्य, गुड़, घी, शकर, चंदन, सिंदूर, रोली, अक्षत, ये सब माँ की थाली में सुशोभित होंगे। पर आज सफेद फूल, श्वेत रंग के पुष्प विशेष रूप से ब्रह्मचारिणी दुर्गा स्वीकार करेंगी। तो श्वेत पुष्प जो है ये मुख्य हो गए, ये विशेष हो गए। अब माँ को प्रसन्न करने के लिए जो मंत्र है वो रहेगा ओम ब्रह्म ब्रह्मचारिणे नमः। इसका 108 बार अगर आप जप करेंगे रुद्राक्ष की माला पर तो निश्चित ही ब्रह्मचारिणी दुर्गा हम सब पर प्रसन्न होंगी। और या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इस मंत्र का आश्रय भी ले सकते हैं। प्रयोजन हमारा इतना सा है कि हमारा कर्म कोई भी हो, हमारी पूजा की सामग्री कैसी भी हो, येन केन प्रकारेण इस धरती की सृष्टा जो है, हम जीवों की सृष्टा जो है, वो हम पर प्रसन्न हो जाए और अपने आशीष की बरसात कर दे। प्रिय भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी हम सब पर प्रसन्न हो, इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।